मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं नाश्ता करके जस्ट थोड़ी देर बैठी हूँ, मतलब नाश्ता करके मैं किचन साफ कर आई हूँ, तो बैठी हूँ और मेरा किचन जो है बिल्कुल साफ हो चुका है और घर का सारा काम भी खत्म हो चुका है। और अभी मैं रेडी होके बैठी हूँ। क्यों होके बैठी हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। और ये जो आपको दिख रहा है ना, अभी हम जा रहे हैं तो उस वहां के लिए, मतलब ले जाने के लिए पास्ता बना लिया है, क्योंकि एक यही चीज है, पास्ता तो जल्दी भी बन जाता है। और आगना के लिए भी मैंने पराठे बना के रख लिए हैं, अगर हमें भूख लगेगी रास्ते में, मतलब हम जा रहे हैं तो थोड़ा देर हो जाएगी तो हम खा सकते हैं, तो वो ये भी मैंने बना के रख लिया है। और मैं उठी थी आज, उठी थी मैं कितने बजे, मैं उठी थी 5 बजे। तो बस अभी सारा काम खत्म करने के बाद सोचा कि चलो आपसे मैं बात कर लेती हूँ। और हाँ, अभी हम जा रहे हैं मंदिर। मंदिर क्यों जा रहे हैं हम? मंदिर जा रहे हैं, हमने एक मन्नत मांगी थी जो कि पूरी हो चुकी है। और हाँ, तो हमने मन्नत मांगी थी ना तो पूरी हो गई है, तो अब माता रानी से जो हमने मांगा है वो तो हमें मिल गया, और हमने जो बोला था उनके पास हमें जाना है। और हम सोच रहे थे कि मतलब चले जाते हैं, पर टाइम मिल मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ, तो सोचा कि चलो फाइनली हम चले जाते हैं, क्योंकि ये चीज भी पूरी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने पता है क्या, हमने जो चीज मांगी थी ना वो हमसे मतलब बहुत हाथ पैर मारे थे कि ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, बट कहीं से कुछ नहीं हुआ था। और हर जगह से निराशा ही नजर आ रही थी। फिर बस फिर दुआ करा, हमने दुआ करी कि भगवान से मांगा कि चलो जो है अब आपके हाथ में ही है, हमने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, जैसा भी होगा वो आप करोगे, क्योंकि सारी जगह से उम्मीदें सारी खत्म होती नजर आ रही थी, इसलिए। तो बस वो चीज हमारी पूरी हो गई है और अभी हम जा रहे हैं मंदिर, तो इसलिए आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और चलिए मैं आपको भी लेकर चलूंगी कि देखना मैं कौन से मंदिर जा रही हूँ और मैं कौन से मेरे हस्बैंड, हमेशा ही उनके भक्त रहे हैं, बस यही था। तो चलिए हम चलते हैं। और क्योंकि पता है क्या, टाइम जो हो रहा है ना वो निकलते ही जा रहा है, मतलब 7 बज रहे हैं तो निकलते ही जा रहा है टाइम। और आगे चल के मतलब एक तो ऑफिस का भी टाइम हो गया है, तो कहीं ट्रैफिक ना ज्यादा मिल जाए, और जहाँ ट्रैफिक मिलेगा ना फिर मंदिर बंद होने का भी टाइम हो जाता है, तो सोच रहे कि उससे पहले पहले ही हम पहुंच जाए। और बस इसलिए सिंपल सा मैं रेडी हो गई हूँ, कुछ नहीं करा। तो चलिए चलते हैं। सारा सामान जो है ना एक बैग में रख लेती हूँ, और आगरा की पानी की बॉटल है ये रही, और बस हम पहुंचने ही वाले हैं मंदिर। तो अभी बाहर का मौसम ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश आ जाएगी, और काफ़ी ट्रैफिक में मिला था हमें, पर हम पहुंच गए थे। और मंदिर जो था ना बंद होके खुल भी गया था, मतलब दोपहर के टाइम ही हम पहुंचे थे, तो हम मंदिर पहुंच गए हैं। तो ये बाहर का ही है, जैसे ही हम मंदिर अंदर जाते हैं ना तो बाहर शॉप वगैरह बनाई गई है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं जो भी आप चाहो लेने के लिए, चाहे मंदिर के लिए या अपने अपने लिए कंगन ले लो, और रिंग भी मिल रही थी, गले का भी मिल रहा था, मतलब गले की जो जिसे माला वगैरह बोलते हैं वो सब भी यहाँ पर मिल रही थी। और आधी दुकानें खुली हुई थी, आधी बंद थी,
तो बस अभी करते, वैसे तो अभी यहाँ पर कोई चहल पहल नहीं है इतनी, पर हम जैसे ही अंदर थोड़े से और अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ काफ़ी भीड़ और लाइन लगा रखे थे। मतलब मुझे लग रहा था कि शायद लाइन नहीं होगी, बट हम जब गए ना तो लाइन काफ़ी लंबी थी। तो बस हम लाइन में लग कर तो पूजा वगैरह हमारी हो गई थी, दर्शन हो गए थे, बहुत अच्छे से हुए थे दर्शन। फिर आते आते शाम का टाइम भी हो गया था ना, तो फिर मैंने शाम की चाय बना रही हूँ, और मतलब आए हुए आधा घंटा करीब हो गया था, तो कपड़े वगैरह चेंज किए, उसके बाद फिर मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी और पास्ता बनाकर ही लेकर गई थी, इसलिए इतनी कोई भूख नहीं थी। तो बस चाय बनाकर फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी, जब तक चाय बनती रहेगी तो मेरी झाड़ू भी लग जाएगी, और उसके बाद फिर बस हम चाय पी लेंगे। शाम की चाय बस मेरी चल रही है, और जैसे ही मेरी चाय ख़त्म हो जाएगी ना, तो मैं सीधा किचन में जाऊंगी, और वहाँ पर मैंने टमाटर प्याज लहसुन को काट लिया था, और काटने के बाद ना मैंने इसको अच्छे से पका लिया है, ये टमाटर प्याज लहसुन और दो मतलब काली मिर्च और है लौंग, तो अच्छे से ये पक चुका है। जब ये ठंडा हो जाएगा ना ये वाला मसाला, तो मैं इसको पीस लूँगी, और मटर पनीर मैं ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा, तो बहुत अच्छा बनता है। तो ये बस ये ठंडा हो जाएगा, तो उसको पीसने के बाद इसका ये पेस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो उसमें मैंने तेल ले लिया है, तेल गर्म हो गया है ना, तो मैंने वही पेस्ट इसमें डाल दिया है जो पीसा था मैंने टमाटर प्याज लहसुन का, और अच्छे से इसको चला लेना है। और वैसे तो इतना पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मसाला है वो ऑलरेडी पका ही हुआ है, तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो जाए, क्योंकि उसमें मसाला जो उसमें थोड़ा सा मसाला था ना, इसमें जैसे मैंने थोड़ा सा उसमें पानी डाल के इसमें ऐड कर दिया है, और मैं इसमें फ्रेश दूध की मलाई ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैं इसमें दूध भी डाल दूँगी ताकि जो उसकी ग्रेवी है होगी ना वो गाढ़ी हो जाएगी। और मेरे पास ना काजू नहीं थे इसलिए मैंने इसमें दूध ऐड करा है, और बस जब ये अच्छे से हो जाएगा पक जाएगा, तो मैं इसमें ना वो क्या क्या बोलते हैं मटर, वो ऐड कर दूँगी थोड़ी सी, और मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी थी, तो बस वो पकता रहेगा। और एक तरफ जो मेरा पनीर रखा हुआ है ना, उसको भी मैं छोटे छोटे पीस में कट कर लूँगी, और थोड़ा सा पनीर मैं बचा लूँगी, क्योंकि मुझे ना आरना के लिए पनीर पराठा बनाना है इसलिए। तो अच्छे जो मेरा मटर है ना वो अच्छे से गल चुका है, अब मैं इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ और अच्छे से चला लूँगी। इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी, ऐसे ही मुझे ग्रेवी चाहिए, तो काफ़ी अच्छा बना था मटर पनीर। और बस हम जाके डिनर कर लेंगे। ये है अपन मटर पनीर, ये है रायता जो कि प्याज और टमाटर का है, और ये है पराठा है, और चलिए हम फटाफट से ना डिनर कर लेते हैं। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और खाना वगैरह खा लिया है, स्टॉल ले लिया है, थोड़ी सी ठंड लग रही थी मुझे तो मैंने स्टॉल ले लिया है, और तो मैं अपना वीडियो ना एडिट कर रही थी, एडिट करते करते फिर मैंने देखा कि अरे मैंने
जो मन्नत मांगी थी हमने वो तो मैंने बताई नहीं, मैंने सब कुछ बोल दिया उसमें, बट मैंने ये नहीं बताया क्या चीज थी। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं बता देती हूँ आपको कि क्या मन्नत मांगी थी हमने। हमने मन्नत मांगी थी कि हमें जल्दी से एक घर मिल जाए, क्योंकि घर लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी कह लो, बहुत बड़ी एक चीज होती है। तो हर चीज, हम जो भी हम कोई चीज लेते हैं तो देख परख के ही लेते हैं, चाहे सब्जी हो चाहे कपड़े हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही घर भी है, तो जहां भी हम देखने जाते थे ना, वहां से कुछ ना कुछ निराशा ही हमें मिलती थी। तो 3 4 महीने ही हमने ऐसा देखा, इतना ज्यादा हमारा दिमाग खराब होता था, कहीं से भी बात नहीं बनती थी। तो फिर हमने ना माता रानी पे छोड़ दिया। तो फिर बस हमने जैसे ही उन पे छोड़ दिया था ना, तो 1 महीने बाद, हाँ 1 महीने बाद हमें गुड न्यूज मिल गई थी। तो बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई थी उस दिन, मैं बता नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि चलो फाइनली घर मिल गया है हमें। और क्या था, हाँ तो फिर इसलिए हम माता रानी के दरबार गए थे, और हम गए थे कालिका मंदिर, मतलब जहाँ पे कालका जी में, वहां गए थे। और मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको बहुत मानते हैं, तो इसलिए सारी चीजें हमने उनके ऊपर छोड़ दी थी। तो वही सब मिल गया, वही है ना कि माता रानी से जो मांगो तो वो सब मिल जाता है, इसलिए। और बस चलो यही सब था, मैंने सोचा चलो आपसे मैं बता देती हूँ, मैं भूल ही गई थी बताना। और चलिए वीडियो भी एंड करते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।